नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न एक हम करने जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रश्नावली के वीडियोस देखने से पहले आप इससे पहले वाला हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन वाला एक वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने त्रिज्य खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में और चाप की लंबाई के बारे में बताया है। वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। प्रश्न एक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यह एक वृत्त है, मान लीजिए यह इसका केंद्र है और इस प्रकार से यह इसकी त्रिज्याएं हैं। यह है ओ ए बी, ठीक है बच्चों, और इसका जो बीच वाला कोण है यह हमें 60 डिग्री दिया गया है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए बच्चों जो जो हमें गिवन है हम यहां लिख लेते हैं। त्रिज्या यानी कि आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, कोण यानी कि थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो बच्चों हमने इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चों हमने इसका फार्मूला किया था थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो आइए हम इसे हल करके देखते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा, बच्चों थीटा है 60 डिग्री बटा नीचे है 360 डिग्री गुना पाई, पाई की वैल्यू है 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर, आर है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हल करें बच्चों। देखिए 0 से यह 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 36, 6 जीक 36, और 6 से 6 कट जाएगा 6 कम 6। अब नीचे रह गया 7 और ऊपर रह गया है 22 गुना 1 गुना 1, 22 एकम 22 गुना 6, 22 छिके, तो देखिए 22 गुना 6, 6 दुनी 12 हासिल आया 1, 6 दुनी 12 और 1 13, 132 नीचे है बटा 7 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप चाहें तो इसे आगे दशमलव में भी हल कर सकते हैं। 7 एकम 7, 13 में से 7 निकाले 6, 6 और 2 62, 7 8 56, 62 में से 56 निकाला 6, 6 और 0 60, 7 8 56, 4 0 40, 7 5 35, 5 0 50, 7 7, यानी कि इसको यदि हम राउंड ऑफ करेंगे ये 7 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 7 गायब हो जाएगा, तो ये बन गया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपने उत्तर को बच्चों यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए यह बीच में कोण था 60 डिग्री का, वृत्त की त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, तो हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था जिसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, और इस विधि से हमने इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया है। मोस्टली बुक्स में आपको यही उत्तर मिलेगा, यदि आप इसको आगे करना चाहें तो दशमलव में इस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।